कह रहे हैं कि मुझे देश से बाहर निकाला जाएगा, शर्मिंदित हो, ऐसे नारे लगाने का जब आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सुबह एक विवादित बयान दिया, जहां उन्होंने बिना किसी समुदाय का नाम लिए बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सोची समझी राजनीति के तहत भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है, इसलिए भारत में एक कड़े कानून की जरूरत है। जहां बहुसंख्या आबादी कम हुई है, वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इसलिए भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और कॉमन सिविल कोड लाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और कॉमन सिविल कोड लाना आज देश में आवश्यक हो गया है। अगर अखंड भारत को देखें तो जहां जहां बहुसंख्या की आबादी कम है, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां वहां लोकतंत्र ना के बराबर है। वहीं भारत में कश्मीर, केरल और बांग्ला में, साथ साथ बिहार के पूर्वांचल को देखें तो यहाँ सामाजिक समरसता टूट रहा है। ऐसी स्थिति में देश के लोकतंत्र को बचाने और देश के सामाजिक समरसता के लिए एक कड़ी कानून लाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो जनसंख्या नियंत्रण नहीं मानते उसकी वोटिंग राइट्स को खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोगों की सरकारी सुविधाओं को भी समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नियम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए। दरअसल गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित भारत के कश्मीर, केरल और बंगाल सहित बिहार के जिस सीमांचल के इलाके का जिक्र किया है, वहाँ अल्पसंख्या आबादी, मुख्यतः मुस्लिम आबादी बहुतायत है। ऐसे में गिरिराज सिंह ने बिना किसी समुदाय का नाम लिए एक बड़ा संकेत दिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से खुद देखिए क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने। मैं देख रहा हूँ आजम खान का बयान आ रहा है कि मुझे देश से निकालने की तैयारी, इसी तरह की भाषा ओवैसी बोल रहे हैं गुजरात के चुनाव के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यकों को छूट है दुनिया में किसी देश में नहीं है, फिर भी भारत को बदनाम करने के लिए आजम खान शरीके के लोग, ओवैसी शरीके के लोग भारत को एक कह रहे हैं कि मुझे देश से बाहर निकाला जाएगा। कब सीएए कानून, नागरिकता कानून में जिस ढंग से तांडव मचाया, लेकिन न ओवैसी की जुबान खुली, न केजरीवाल की जुबान खुली, न कांग्रेसी की जुबान खुली और न आजम खान की जुबान खुली। इन लोगों की जुबान तब खुलती है जब बाटला हाउस जैसे कांड में आतंकवादियों टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू में अफजल तेरे कातिल जिंदे हैं, ऐसे नारे, मैं शर्मिंदित हूं, ऐसे नारे लगाने का जब आता है तब ये भारत में भारत को बदनाम करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।